रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ तो छोड़ो, यहाँ मामला कुछ और ही है। किसी जमाने में ऋतिक रोशन और कंगना रनआउट कंगना रनआउट एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर इस बात को सालों हो गए। और खैर, ऋतिक अभी अपनी फिल्मों में व्यस्त है, पर आए दिन या तो कंगना ऋतिक को लेकर कुछ न कुछ तंज कसती रहती है, या ऋतिक के सवाल पर बिना जवाब दिए भी अपने चेहरे के हाव भाव से बहुत कुछ कह जाती है। पर अब उनके बाद ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए विचारधारा वाली उनकी बहन रंगोली चंदेल भी चलती गाड़ी में बैठ पड़ी है। मतलब वो भी अपनी बहन का जी भर के साथ देती नजर आ रही है। 1000 में मेरी बहना है। वैसे ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी कई बार सेलिब्रिटीज को वो उंगली करती हुई नजर आई है। पहले आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना वाहिब, फिर मूवी रिव्यू वाले केआर के, तो कभी दीपिका पादुकोण। अब ऋतिक को इनडायरेक्टली उन्होंने कल्लन कालिया कालीचरण केकेडी काल का डिंडू मेरा मतलब है कालिया बोल दिया है। मगर क्यों, अब दुश्मनी पुरानी है वो तो पता ही है आपको, पर अब तो जैसे रंगोली की हर किसी को कुछ भी बोल देने की तो जैसे आदत से हो गई है। अब ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 पर रंगोली भड़क गई है। वो कहती है खुद काला रंग मुंह पे लगाकर आउटडेटेड 90 के दशक की एक्टिंग करके एक इतने महान इंसान की बायोपिक खराब कर दी। सारा ध्यान कंगना में ही रखोगे तो भाई एक्टिंग कब करोगे? उसको अपना गुरु मानकर रोज उसकी फोटो की पूजा किया कर, जा थोड़ी एक्टिंग सीख ले जादू कहीं का। मतलब रंगोली ने इतना सारा बोल दिया है ऋतिक रोशन के बारे में। वैसे रंगोली जी को हम बता दें कि फिल्म में जो किरदार की मांग थी, जिसे ऋतिक को सावला दिखना था, अब उस पर इस तरह से अपनी आधे ज्ञान की बाल्टी लेकर चलोगी तो वो तो डुलना ही है। इस हिसाब से तो कंगना गैंगस्टर में बेवड़ी, जजमेंटल है क्या मैं मेंटल, कट्टी पट्टी में बीमार हूँ, फैशन में साइको, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और शूट आउट एट वडाला में क्रिमिनल की माशूका बनी, और रंगून और आई लव एनवायरनमेंट पता नहीं क्या बनी, कुछ समझ ही नहीं आया। पर हमने कुछ बोला क्या? नहीं, क्योंकि फिल्म के किरदार और असल में बहुत बड़ा अंतर है। इस तरह ट्विटर पर फोकट ढोल की कूटने से किसका क्या फायदा होगा? थोड़ा अदब में रहकर सभी के काम की तारीफ करो, मुफ्त अंपायर बनना है इनको तो। पर इन सब पर हमारे आनंद भाई यानी कि ऋतिक रोशन हाथी चले बाजार कुत्ते भोगे हजार वाली कहावत पर अड़े हुए हैं, मतलब एकदम चुप हैं। भाई समझदार जो है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।